मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्वेल्थ क्लास के नेक्स्ट लेक्चर के संबंध में। हम लोग पढ़ रहे हैं तत्वों या धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में। पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था रोस्टिंग के बारे में। रोस्टिंग जिसे जारण या भर्जन भी करते हैं, जिसके तहत हम लोग अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे निस्तापन यानी कैल्सिनेशन की। निस्तापन अर्थात कैल्सिनेशन। तो निस्तापन अर्थात कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हम वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अयस्क अपने छोटे ऑक्साइड में टूट जाता है। यह प्रक्रिया प्रायः कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क के साथ अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में चूंकि छोटा ऑक्साइड बनता है यानी ऑक्सीजन टूटता है, इसलिए यह अवकरण की प्रक्रिया है। तो धातुकरण का पहला स्टेप था सांद्रण और दूसरा था ऑक्साइड में परिवर्तन। सांद्रण की कई विधियां हम लोगों ने पढ़ी, हाथ से चुनकर, गुद पीतकण विधि, फेनिया झाग उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पीतकण विधि, निछालन, ऊर्ध्वपातन। इस तरह ऑक्साइड में बदलने की दो विधियां हैं, एक जारण जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, दूसरा निस्तापन जिसमें अयस्क को हम लोग वायु के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अब यह प्रक्रिया प्राय कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क के साथ संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अयस्क छिद्रयुक्त अर्थात पोरस हो जाते हैं। निस्तापन की प्रक्रिया प्राय कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क के साथ हम लोग अपनाते हैं, वही जारण की प्रक्रिया सल्फाइड अयस्क के साथ प्राय संपन्न की जाती है। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। प्राय ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, एयर का संबंध ऑक्सीजन से है। In absence of air, this process is done generally for carbonate and hydrate ores. After this process, ore is decomposed in lower oxides या फिर small oxides का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो कैल्सिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ एयर। दिस प्रोसेस इज डन जनरली फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रेट ओर्स। आफ्टर दिस प्रोसेस ओर इज डिकम्पोज इन लोअर ऑक्साइड या स्मॉल ऑक्साइड्स। इसे संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जारण तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें।
डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जारण तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग एक सारणी बनाएंगे, इसकी बाई ओर हम लोग लिखेंगे जारण या भर्जन। जारण को ही हम लोग भर्जन भी बोलते हैं, अर्थात रोस्टिंग, और दूसरा है निस्तापन अर्थात कैल्सिनेशन। जारण में अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जारण में अयस्क को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है। निस्तापन में अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, में गर्म किया जाता है। इन रोस्टिंग ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इन कैल्सिनेशन ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। जारण में दूसरा पॉइंट है, इसमें ऑक्सीकरण होता है। इसमें अवकरण होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। रिडक्शन टेक्स प्लेस। तीसरा है जारण या भर्जन में, जारण या भर्जन की जो प्रक्रिया होती है इसमें है कि इसमें चाहिए यह प्रक्रिया प्राय सल्फाइड अयस्क के साथ संपन्न होती है। यह प्रक्रिया प्राय कार्बोनेट या हाइड्रेट अयस्क के साथ संपन्न होती है। दिस प्रोसेस इज डन जनरली विथ सल्फाइड ओर्स। दिस प्रोसेस इज डन जनरली फॉर कार्बोनेट और हाइड्रेट ओर्स। अगला है, इसमें अयस्क छिद्र युक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी। निस्तापन में इसमें अयस्क छिद्र युक्त हो जाते हैं। becomes
फॉस्फोरस। फोर्स बी और नॉट फोरस, आफ्टर दिस प्रोसेस। तो जारण की प्रक्रिया में यश छिद्रुक्त हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन उसमें यश विस्थापन में छिद्रुक्त हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।